किस तरह गवर्नर साहब को समझ लेना चाहिए कि उसकी अपनी तकरीर यहाँ गैर आई नहीं है और ऐसे फैसले लेते हैं जिससे कि कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है वो मुतासिर होगी। जेके बैंक की जो अपनी ऑटोनमस करेक्टर जो इसका था वो तबाह हो रहा है। उन्होंने इसको जो पब्लिक सेक्टर इदारा करार दिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का क्या हाल है, जेके पीसीसी का क्या हाल है। ये एक और हथियार रियासती सरकार अपनी जोली में डालकर कश्मीरियों के पास, रियासत के लोगों के पास, जिस तरह वक्फ बोर्ड में मुदाखलत की, जिस तरह शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को तबाह करने की कोशिशें जारी हैं, उसी तरीके से जो तीसरा हमारा बड़ा इदारा जम्मू कश्मीर बैंक है, इसकी खुदमुख्तारी को ख़त्म करने के लिए नई दिल्ली से यहाँ तक साजिशें की जा रही हैं। नई दिल्ली की नज़रें जम्मू कश्मीर बैंक की खुदमुख्तारी ख़त्म करने पर उससे दराज से लगी हुई थी और आज नई दिल्ली को मौका मिला। जब आज यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, हम सत्यपाल मलिक जी को खबरदार करना चाहते हैं, आप आग के साथ खेलना छोड़ दीजिए। ये इदारा हमारा है, हम सब मिलके इस इदारे की हिफाजत करेंगे और आपके नापाक मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। मेरी मुश्तरका मुज़ाहमती क़यादत NCPDP सारे कश्मीरियों से गुजारिश है, जिस तरह 35A को लेकर सारी कौम मुत्तहिद हुई, उसी तरह जेके बैंक को बचाने के लिए भी हम सबको सामने आना होगा। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.